सशक्त समाज सशक्त हिंदुस्तान की गारंटी है और सशक्त समाज बनता है सामाजिक न्याय के अधिष्ठान पर। तो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को आर्थिक गतिविधि की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा और बैंक अकाउंट ये उसका एक प्रारंभ बिंदु है। हमने एक बीड़ा उठाया है स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। हमने एक मुद्रा योजना बनाई, मुद्रा योजना। ये मुद्रा योजना ऐसी है कि जो छोटे छोटे तबके के लोग हैं, नौजवान लोग हैं, जिसको कुछ करने का इरादा है लेकिन पैसे नहीं है और किसी साहूकार से लेने जाएगा तो ब्याज बहुत होगा, हमने मुद्रा योजना के तहत कोई भी गारंटी के बिना ऐसे जो साहसिक लोग थे उनको पैसा देने का फैसला कर। और मुझे विश्वास है वो पैसे लगाएगा, मेहनत करेगा, वो खुद तो रोजगारी कमाएगा लेकिन एक और नौजवान को भी रोजगार देने की ताकत वाला बन जाएगा। ऐसा ही बदलाव मैं देख रहा हूं। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 साल की उम्र के लोगों की, आप विचार कीजिए 330 रुपया एक व्यक्ति के लिए साल में खर्च करना न उनके लिए कोई कठिन है न कोई उनके लिए करे तो भी कठिन नहीं है, लेकिन एक समाज को सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक जागरूकता है, भागीदारी भी बने और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है उसको शक्ति दो, ये शक्ति देने का प्रयास। हमने करीब करीब 9000 पद ऐसे खोज के निकाले हैं, अब इन 9000 पदों पर कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी, मेरे नौजवानों को इंटरव्यू देने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, भ्रष्टाचार और दलालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और इस काम को लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान को जमीन से लेकर के उत्पादित चीजों तक उसकी रक्षा करना, पहली बार कम से कम प्रीमियम से अधिक से अधिक और वो भी गारंटी के साथ फसल बीमा योजना देने का काम भाइयों बहनों हमने किया है। हमने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जमीन की सेहत के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, और किसान को ये समझाया कि तुम्हारी जमीन में ये कमी है, ये अच्छाइयां हैं, तुम्हारी जमीन इस फसल के लिए योग्य है, इस फसल के लिए योग्य नहीं है। और किसानों ने धीरे धीरे सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए अपना प्लान करना शुरू किया और जिन जिन लोगों ने प्लान किया है वो मुझे बताते हैं कि साहब हमारा खर्चा करीब करीब 25% कम हो रहा है और हमारे उत्पादन में 30% वृद्धि नजर आ रही है। कोई मेरा जवान सीमा पर गोलियों को झेलने के लिए तैयार खड़ा होगा, कोई बंकरों में बैठा होगा, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? यही तो लोग हैं जिनके कारण हम सुख चैन की जिंदगी जी सकते हैं। और कई वर्षों से वन रैंक वन पेंशन का मसला लटका पड़ा था, हम टालने वालों में से नहीं, हम टकराने वालों में, हमने उसको पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन हर हिंदुस्तान के फौजी के घर में खुशहाली पहुंचा दी, इस काम को किया। भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब विज्ञान ने, अनुसंधान करने वालों ने हर नागरिक की भलाई के लिए उसको विकसित किया। भाइयों बहनों, आप अपने घर में एक एलईडी बल्ब लगा करके देश के 7,00,000 करोड़ बचा सकते हैं, 20,000 मेगावाट बिजली बचा करके हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, हम देश के पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और ये सामान्य मानवी दे सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में काम किया कि 1,000 दिन में हम 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है,
आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने अब तक बिजली नहीं देखा। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया। गंदगी की चर्चा छोड़, स्वच्छता की चर्चा शुरू की है और स्वच्छता का काम कहीं न कहीं कुछ न कुछ चल ही रहा है। खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति, उसका एक अभियान चल रहा है। राज्यों राज्यों के बीच, जिले जिले के बीच, गांव गांव के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा चल पड़ी है। देश बदलेगा भी, देश बढ़ेगा भी, देश दुनिया के सामने सर ऊपर करके खड़ा हो जाएगा। ये मैं 3 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं।